हेलो माय डियर फ्रेंड, टुडेज लेक्चर वी विल डिस्कस पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। आज के लेक्चर में हम सिर्फ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या है चैप्टर में, क्या पॉइंट है। जैसा कि हम जब क्लास में डिस्कस करते हैं तो आपको भी स्टडी करने में इजी हो सकता होता है सब्जेक्ट। ओके, तो इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसे हम पीरियडिक टेबल कहते हैं। तो क्या होता है पीरियडिक टेबल, उसका क्लासिफिकेशन क्या होते हैं एलिमेंट्स, जैसा कि मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड, तो ये क्या है सब, ये हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। जैसा कि फर्स्ट एलिमेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, कौन से एलिमेंट्स है और क्या क्लासिफिकेशन है। जैसा कि मैंने बोला, कोई मेटल रहेंगे और नॉन मेटल, मेटलॉइड, एंड कुछ साइंटिस्ट है और साइंटिस्ट के कुछ रूल है, रेगुलेशन है। तो देखते हैं हम इस चैप्टर में डोबरेनर स्ट्राइड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव, जिसे हम न्यूलैंड्स अष्टक कहते हैं, और मेंडेलीव पीरियडिक टेबल, एंड फाइनली देखते हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल, जिसमें कि कॉन्फिगरेशन है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस करते हैं। ओके, ये तो सिंपल डिस्कशन है। ओके, तो आपको स्टडी करने में इजी होगा सब्जेक्ट, इसलिए हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जब हम पीरियडिक टेबल को देखते हैं तो पीरियडिक टेबल में हमें फोर पार्ट दिखते हैं, जिसे हम ब्लॉक कहते हैं, जैसा कि डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक होता है ना। इसलिए होता है कि क्लासिफिकेशन क्या है एलिमेंट्स का, क्योंकि हमें स्टडी करने में इजी हो जाएगा कि क्या होता है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, सब कुछ सॉल्व होता है। तो हम देखने वाले इस चैप्टर में व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर, व्हाट आर द टाइप ऑफ एलिमेंट्स, एंड व्हाट आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर कॉल्ड, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो क्या होता है पीरियडिक टेबल, क्या हम डेफिनेशन कर सकते हैं पीरियडिक टेबल की। तो जनरली हम क्या बोलते हैं, द अरेंजमेंट ऑफ ऑल द नोन एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स है इस एनवायरनमेंट में, तो इसकी हम अच्छी तरह क्या करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दियर प्रॉपर्टीज। लेकिन जो कि अरेंजमेंट है हमारी, वो प्रॉपर्टी पे रिलेटेड होती है। ओके, एंड सच वे दैट द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर ग्रुप टुगेदर इन अ टेबुलर फॉर्म, इट इज़ कॉल्ड एज पीरियडिक टेबल। एक टेबल के फॉर्म में हम रखते हैं एलिमेंट्स, इसे हम कहते हैं पीरियडिक टेबल। ओके, तो हमारा जो इम्पोर्टेंट हम पढ़ते हैं पीरियडिक टेबल, इट इज़ कॉल्ड एज मॉडर्न पीरियडिक टेबल। मॉडर्न मीन्स मॉडर्न पीरियडिक टेबल इन विच प्रेजेंट 18 ग्रुप एंड 4 ब्लॉक। जैसे कि मैंने बोला, ये ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है हमारे, ये मॉडर्न पीरियडिक टेबल में आते हैं, और 18 ग्रुप है, जैसा कि हम कॉलम को ग्रुप बोलते हैं, और जो हमारे रो रहते हैं इसे हम पीरियड बोलते हैं। ओके, ये आपको मालूम होना जरूरी है। तो हम देखते हैं क्या होता है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जैसा कि हमारे पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। ओके, तो यहाँ पर दिया हुआ है, वी हैव लर्न इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट ऑल द एटम ऑफ एलिमेंट। मुझे लगता है कि आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड में देखा है। ओके, तो देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में, क्या क्या क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा हमें। क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं कि जब 18th सेंचुरी में क्या था, सिर्फ 30 एलिमेंट प्रेजेंट थे, लेकिन हम आज देखते हैं कि हमारे पीरियडिक टेबल में 118 एलिमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि वो साइंटिफिक वर्ल्ड है अभी, तो कुछ चेंज हो रहा है। ओके, एंड अराउंड ईयर द कोर्स ऑफ टाइम, ओके, मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ दियर एलिमेंट वॉज गैदर्ड। जैसा कि प्रॉपर्टी जो रहती है एलिमेंट की, वो बढ़ती जा रही है, और प्रॉपर्टी जैसी है वैसे हम क्या करते हैं, पीरियडिक टेबल का अरेंजमेंट करते हैं। तो कुछ अलग अलग साइंटिस्ट है जिसकी इन्फॉर्मेशन हम आज के इस चैप्टर में देखने वाले हैं कि कैसा अरेंजमेंट किया साइंटिस्ट ने, तो इस साइंटिस्ट का मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है, जैसा कि एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशन क्या है, वो सब कुछ हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। ओके, फर्स्ट हम
क्या देखने वाले चैप्टर में बताया है, तो यू नो दैट इन अ इनिशियल क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स वी आर क्लासिफाई इन टू द ग्रुप ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। पहले हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं एलिमेंट को। फर्स्ट रहेगा मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल मीन्स जिसे हम मराठी लैंग्वेज में बोलते हैं कि धातु, जैसा कि लोहा होता है, सोना चांदी, एक है मेटल है। और नॉन मेटल मीन्स लकड़ी, वुड जैसा। ओके, एंड लेटर ऑन अनदर क्लास ऑफ एलिमेंट इट इज़ कॉल्ड एज मेटलॉइड। और थर्ड क्लास जो है उसे हम मेटलॉइड्स कहते हैं। मेटलॉइड्स मीन्स वो नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाता है और मेटल की भी प्रॉपर्टी दिखाता है। इट इज़ कॉल्ड एज नॉन मेटल सॉरी मेटलॉइड्स एलिमेंट्स। ओके, तो इजी है चैप्टर। और अदर एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज वेन टू इंक्रीजिंग डिफरेंट साइंटिस्ट स्टार्टेड ट्राइंग आउट डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो कौन से साइंटिस्ट है तो इनकी इन्फॉर्मेशन हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। जैसा कि फर्स्ट साइंटिस्ट है यहाँ पर दिया हुआ है डोबरनाइनर ट्राइड्स, नीचे दिया हुआ है डोबरनाइनर ट्राइड्स। हम हिंदी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, डोबरनाइनर थ्री के। थ्री के मीन्स ट्राइड्स। जैसा कि डोबरनाइनर ने क्या बोला कि ऐसे तीन एलिमेंट्स जो है, जैसा कि फर्स्ट क्लास में क्या है, एच हाइड्रोजन लिथियम और एन ए सोडियम। ओके, तो ये तीन एलिमेंट जो है इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है। ओके, जैसा कि हम एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं डोबरनाइनर ट्राइड्स क्या होता है। इसके पहले हम थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में जो रो रहते हैं इसे हम क्या कहते हैं, पीरियड, और जो कॉलम है इसे कहते हैं ग्रुप। ओके, और फोर ब्लॉक है हमारे पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। और मेटल है 87, नॉन मेटल 18 एंड मेटलॉइड्स 7 है। ओके, तो हम इस चैप्टर में कॉन्फिगरेशन क्या होता है ये भी देखने वाले हैं। तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है जैसा कि पहले मैं देता हूँ। ओके, फर्स्ट मैनमेड जो एलिमेंट है इस हमारे पीरियोडिक टेबल में ये है टेक्नेटियम, जिसे टी सी कहते हैं हम। ओके, टी सी ऐसा टी और सी, टेक्नेटियम, जो कि मैनमेड फर्स्ट एलिमेंट है, ये आपको मालूम होना जरूरी है। ओके, एंड द ग्रुप ऑफ कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रुप्स एलिमेंट्स, कितने ग्रुप होते हैं मैक्सिमम, जैसा मैंने बोला हम ग्रुप किसे कहते हैं, कॉलम को। तो 18 कॉलम है हमारे पीरियोडिक टेबल में। ओके, एंड द ग्रुप इन विच एलिमेंट हैव जनरली जीरो वैलेंसी 18th ग्रुप की है हमारे पीरियोडिक टेबल में। ओके, और जैसा कि थ्री टाइप के एलिमेंट रहेंगे, कुछ गैसियस रहेंगे, सॉलिड रहेंगे, लिक्विड रहेंगे, तो हमारे पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ गैसियस एलिमेंट्स है 11। गैसियस एलिमेंट बहुत कम है, जैसा कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, और जो 18th ग्रुप में है हमारे नोबेल गैसेस, ए भी है क्या गैसियस एलिमेंट्स। ओके, एंड लिक्विड एलिमेंट है ओनली 6। ओके, फ्रांसियम। ओके, अब देखते हैं, हम बताते हैं आगे। और सॉलिड एलिमेंट्स है 95, नंबर तो ध्यान में रखो पहले। ओके, तो ये सब स्टडी हम करने वाले हैं, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। जाने दो, हम डायरेक्टली देखते हैं क्या है डोबरनाइनर ट्राइड्स। ओके, सिंपल है तो देखते हैं डोबरनाइनर ट्राइड्स, डोबरनाइनर 3K। डोबरनाइनर ट्राइड्स में देखते हैं क्या है ट्राइड। तो ही मेड ग्रुप ऑफ दियर एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इट इज कॉल्ड एज ट्राइड। ओके, एंड इन डोबरनाइनर ट्राइड एटॉमिक वेट ऑफ मिडल एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट्स। ओके, डोबरनाइनर ऐसा बोलता है कि थ्री एलिमेंट्स है, जैसे कि फर्स्ट हम देखते हैं एग्जांपल यहाँ पे है, थ्री एलिमेंट्स है, फर्स्ट लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम यहाँ पर है। ओके, तो एटॉमिक मास जो है लिथियम का और सोडियम का, पोटेशियम का सॉरी, इसका एडिशन करने का, लिथियम का और पोटेशियम का, एल आई का और के का एटॉमिक मास का एडिशन और डिवाइड बाय 2 किया, उसका रेशियो एवरेज निकाला, तो हमारा एटॉमिक मास रहेगा वो
एन ए मीन्स सोडियम का, तो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है लिथियम क्या है 6.9 है, ओके तो 6.9 प्लस 39.1 मीन्स पोटेशियम इज डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 23। ये एटॉमिक मास के कौन सा है, सोडियम का रहेगा, ओके तो ये है डोबरा नाइट्राइड्स। और भी हम एक्सप्लेन करते हैं, सेकंड एग्जांपल में है सी ए एस आर और बी ए, और इसमें थर्ड एग्जांपल भी देखते हैं क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन का, इसकी प्रॉपर्टी जो है सिमिलर है, ओके एंड आइडेंटिफाई डोबरा नाइट्राइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ पर कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं, आप परफॉर्म करके देख सकते हैं, ओके क्या करने का, फर्स्ट और थर्ड जो एलिमेंट है उसका एवरेज निकालने का एडिशन करके, और एवरेज रहेगा जो आंसर रहेगा वो एवरेज रहेगा मिडल वाले एलिमेंट का, ओके तो आप ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव, वो भी सिमिलर है ट्राइड से ही, जैसा कि ऑक्टिव रूल इसमें है, तो कितना देर हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव्स, ओके थैंक यू।